हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह लेक्चर नंबर 16 है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स का पार्ट है, वो सारे के बारे में हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, हम लोग अब लॉ ऑफ मैकेनिक्स का जो फोर्थ पार्ट होता है, जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये दो टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो इन दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से आज पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों टॉपिक को आज जैसे डील करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स में आज हम लोग ये चौथा पॉइंट और ये पाँचवा पॉइंट, ये दो पॉइंट हम आज हम समझेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये तीन पॉइंट अच्छे से समझ चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले यह समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, ये कहता है इट स्टेट दैट इफ ए फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी इट शिफ्ट टू एनी अदर पॉइंट विच इज ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स देन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी रिमेन अनचेंज। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का कहना यह है कि अगर कोई बॉडी है दोस्तों और उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, और बॉडी दोस्तों कैसा है, तो बॉडी दोस्तों रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी दोस्तों क्या होता है कि वैसा बॉडी जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे शेप एंड साइज को हम चेंज ना कर सके, उसे हम दोस्तों रिजिड बॉडी कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि किसी रिजिड बॉडी पर किसी हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वह फोर्स को हम पोजिशन अगर हम चेंज कर देते हैं, मतलब कि उस फोर्स को हम शिफ्ट कर देते हैं, देखिए दोस्तों शिफ्ट कर देते हैं किसी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर, तब जो इफेक्ट पड़ेगा उस बॉडी पर वो रिमेन सेम रहेगा। मतलब कि जो पहले फोर्स का जो इफेक्ट पड़ रहा था बॉडी पर, वही इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के पोजीशन चेंज करने के बाद भी। और लेकिन हाँ दोस्तों, जो चेंज करने के बाद जो दोस्तों फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहना चाहिए, पहले ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स के बराबर ही रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और हम समझा देते हैं कि किसी रिजिड बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं और वह फोर्स को अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब कि उसको हम एक पोजीशन से लगा कर फिर हमको दूसरे पोजीशन से लगा रहे हैं, कहने का मतलब कि हम पॉइंट ए से फोर्स लगा रहे थे, फिर हम पॉइंट बी से फोर्स लगा रहे हैं उस रिजिड बॉडी पर, लेकिन जब हम पॉइंट बी से फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी पर, लेकिन उसका लाइन ऑफ जो एक्शन है वो पॉइंट ए के अलॉन्ग ही है, तब उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो उस बॉडी पर उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट होगा, एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, वो चेंज नहीं होगा, वह सेम के सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आप एक और डिफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि इफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट डैट, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है डैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन बी मूव्ड एनी वेयर अलॉन्ग इट्स लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी। दोस्तों, कहने का मतलब इसका भी वही है कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को अगर हम पोजिशन में चेंज कर देते हैं, लेकिन तब उस बॉडी पर जो उस फोर्स के कारण जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा वह चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को हम मानते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि लेट एफ बी द फोर्स, मान लीजिए दोस्तों जो एफ है वह फोर्स है एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, मतलब किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहा है या एफ नाम का फोर्स, एट अ पॉइंट शो इन द फिगर, मतलब कि जो फिगर में शो कर रहा है उस फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब ये नियम के अनुसार, दिस फोर्स एफ, मतलब जो फोर्स एफ है दोस्तों, वह सेम इफेक्ट ऑन द पोजिशन ऑफ द रिजिड बॉडी, मतलब कि जो इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों अब पोजिशन चेंज करने के बाद भी जो इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों वह रिजिड बॉडी पर वो कैसा होना चाहिए, तो सेम ही रहेगा। इफ द फोर्स एफ अप्लाइड एट पॉइंट बी, जबकि अगर हम फोर्स पॉइंट बी से भी अप्लाइड करें, तो फोर्स का जो इफेक्ट पड़ेगा उस रिजिड बॉडी पर वो सेम ही रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और हम आपको ये एग्जांपल समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बॉडी है, मान लीजिए देखिए दोस्तों, ये पहला बॉडी है मेरा, ये मेरा दोस्तों, ये पहला बॉडी है, ये मेरा दोस्तों, ये दूसरा बॉडी है। देखिए दोस्तों, पहला बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे, देखिए दोस्तों किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है, और हम इसको जो है दोस्तों यहाँ पर हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ये जो मेरा दोस्तों यहाँ पर है, हम इसको थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो ये जो पॉइंट है दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ठीक। और दोस्तों ये जो यहाँ पर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हम दोस्तों बी मान लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है, अगर वही फोर्स को अगर हम पॉइंट बी पर भी लगाएं, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर वह सेम के सेम ही रहेगा। तो ये दोस्तों सेम के सेम रहेगा।
देखिए दोस्तों, ये जो फोर्स लगता है जो पोजीशन चेंज करने के बाद, उसका दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड से लगना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट वाला पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों यह कहता है नियम कि इनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कहता है यह दोस्तों कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कि नष्ट होता है। इट कैन ओनली चेंज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म। यह कह रहे हैं दोस्तों, यह सिर्फ एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में बदल जाता है, मतलब कि एनर्जी का पहला रूप है वो बदलकर अपना दूसरा रूप लेता है। एनर्जी कभी ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ये तो आप सुने ही होंगे कभी ना कभी। तो जैसा कि कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फिर दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द डायनोमो। फिर दोस्तों जो सोलर एनर्जी है, फिर दोस्तों जो सोलर एनर्जी है इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कैसे? तो बाय द हेल्प ऑफ सोलर प्लेट। तो ये सब दोस्तों एनर्जी का फॉर्म है जो कन्वर्ट होके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ मशीन, या बोल सकते हैं कि उपकरण या मशीन, आप बोल सकते हैं कि मशीन के कारण से यह एक फॉर्म छोड़कर दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों जो हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं वो कैसा होता है, वो जो सूर्य का जो एनर्जी होता है, जो सन का एनर्जी होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ सोलर प्लेट। तो क्या हम लोग समझे कि जो एनर्जी होता है वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करता है। तो बस दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में यहीं तक। आपको आई होप आपको लॉ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।